नमस्कार, आप देख रहे लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है पटना से कि मुकेश सहनी गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल वो बवाल कर रहे थे, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उतरे हुए थे अपने पूरे समर्थकों के साथ और वहां पर ट्रेन को रोका था और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए तस्वीरें, पुलिस मुकेश सहनी को ले जा रही है अपने साथ उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उस समय बहुत तेज बवाल हो रहा था जब मुकेश सहनी खुद सुबह सुबह राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उतर चुके थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के साथ उनके समर्थक उनके सपोर्टर्स जो हैं वो ट्रैक पर बैठे हैं, कपड़े उतार करके इस भीषण ठंड में भी ट्रैक के ऊपर बैठे हैं और जमकर बवाल काटा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा विरोध है वो नागरिकता कानून के विरोध में हो रहा है, उसके खिलाफ हो रहा है और मांग की जा रही है कि नागरिकता कानून को जल्द से जल्द हटाया जाए। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार मीडिया से बातचीत करते रहे और विरोध दर्ज कराते रहे। आप सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे। जनता का फायदा हो रहा ना। देखिए, सरकार ने नोटबंदी लाया, नोटबंदी से 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी चला गया। आज अगर विपक्ष अगर मजबूती से अगर लड़ता तो सरकार शायद ऐसा निर्णय नहीं लेता, आज करोड़ों लोगों का रोजगार रहता। तो हमने अटल जी का समय था, अटल जी विरोधी को तीसरी आंख कहते थे कि ये विरोधी मेरा नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है। जो चीज हमसे चूक हो जाता, जो चीज हम ध्यान नहीं दे पाते, जो हमसे गलती होता उसको हमें विपक्ष हमें दिखाता है, ये विपक्ष नहीं मेरी तीसरी आंख है। तो आपने सुन लिया, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है और इसके विरोध में वो रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं, ट्रेन को रोका गया। जाहिर सी बात है, जो विरोध हो रहा है बिहार में उससे कहीं ना कहीं खासा परेशानी पब्लिक को भी उठानी पड़ रही है और पब्लिक परेशान है। इसके साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस वाम दल के बिहार बंद में शामिल हुए हैं, जो पार्टियां हैं जिसमें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी और जन अधिकार पार्टी शामिल है, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बैठे हैं कार्यकर्ता और आगजनी की जा रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, सड़क जाम की स्थिति पैदा हो गई है। पटना के गांधी सेतु पुल के ऊपर भी जाम की स्थिति है, भयंकर जाम लगा हुआ है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता पूरे बिहार में सड़क पर उतर चुके हैं, हाथों में झंडा और पोस्टर लेकर के जो कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर, मुकेश सहनी गिरफ्तार हो गए हैं। मुकेश सहनी को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई है और विरोध प्रदर्शन के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पटना के जो डीएम है कुमार रवि, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी पप्पू यादव बाकी हैं, वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उस बीच मुकेश सहनी उतरे थे राजेंद्र नगर टर्मिनल पर विरोध प्रदर्शन करने, ट्रेन रोकने, और ट्रेन तो रोकी गई, उसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।